आज के वीडियो में हम जानेंगे ऑपरेशन थिएटर के क्लीनिंग के बारे में और फ्यूमिगेशन के बारे में तो इसमें हम जानेंगे कि जो हम ऑपरेशन थिएटर के अंदर आर्टिकल्स इक्विपमेंट और दूसरे रीयूजबल आइटम्स है तो वो किस प्रकार से उनको हम डिकन्टामिनेट करेंगे अगला जानेंगे कि जो सर्जरी के दौरान हमारे आर्टिकल्स है इक्वमेंट्स है और हमारे लेन है तो उनको किस प्रकार से हम स्टिलाइज़ करेंगे और अगला जानेंगे कि ऑपरेशन थिएटर का सर्वेलेंस और मॉनिटरिंग के बारे में हम ऑपरेशन थिएटर को किस प्रकार से फ्यूमिगेट करेंगे और हम किस किस मेथड से ऑपरेशन थिएटर को फ्यूमिगेट करेंगे और हमें कितने टाइम के लिए ऑपरेशन थिएटर को फ्यूमिगेट करना है पहले हम जानेंगे कि जो ऑपरेशन थिएटर है उसकी जनरल क्लीनिंग किस प्रकार करेंगे और कब कब करेंगे तो हम ऑपरेशन थिएटर का क्लीन हम जो राइजिंग वाटर है उसकी सहायता से और डिटर्जेंट लेके क्लीन कर सकते हैं सबसे पहले स्क्रबिंग करेंगे और उसके बाद में उसको वाटर की सहायता से साफ करेंगे और यदि वाल्स में और सीलिंग लाइट में इनमें कहीं स्पॉट है तो उसको डेली क्लीन करेंगे सिंपल वाटर से और डिटर्जेंट की मदद से और हमारे जो ओपन सेल्स है तो उनको हम डेली क्लीन करेंगे और जो क्लोज कैबिनेट है उनको हम वीकली क्लीन कर सकते हैं और हमारे जो फर्नीचर है लाइट है और इक्विपमेंट है तो उनको हम डेली क्लीन करेंगे वो भी लाइजोल की मदद से और लाइट्स और दूसरे इक्विपमेंट हैं उनको हम वीकली क्लीन कर सकते हैं फर्श को साफ़ करने के लिए पहले हम उसको स्क्रब करेंगे और जो वार्म वाटर है उसकी सहायता से और डिटर्जेंट लेके उसको साफ़ करेंगे और सूखने देंगे इसमें हम कोई भी डिसइंफेक्टेंट यूज नहीं लेंगे और ओ की जो टेबल है और नॉन क्लिनिकल इक्विपमेंट है उन पर हम पोंछा लगा के और उनकी जो डाइट है उसको साफ़ करेंगे और उसको सूखने देंगे और यदि हमें जो ओ का एरिया है ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स का तो उसको वीकली साफ़ कर सकते हैं और इसके लिए हम गर्म पानी लेंगे और डिटर्जेंट लेंगे उससे साफ़ करके सूखने देंगे स्टोरेज सेल्स है तो उनको हम खाली करेंगे और कपड़े की मदद से उसको साफ़ करेंगे और उसको सूखने देंगे उसके बाद में हम जानेंगे कि जो हमारा डिसइंफेक्शन का जो लेवल है वो कितने प्रकार का रहता है और किस 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 डिसइंफेक्टेंट की मदद से हम ओ को डिसनफेक्ट करेंगे तो ये तीन प्रकार का रहेगा हाई लेवल इंटरमीडिएट और लो लेवल हाई लेवल में हम यूज़ करेंगे ग्लूट्रेडिहाइड तो इससे क्या होगा जो स्पोर्स है बैक्टीरिया वायरस के और प्रियन से वो सब किल हो जाएंगे और इंटरमीडिएट में हम माइक्रो बैक्टीरिया और वायरस बैक्टीरिया इनको किल कर सकते हैं और लो लेवल ऑफ डिस में हम सिर्फ जो वायरस बैक्टीरिया उनको किल करेंगे ऑपरेशन थिएटर को डिकनटामिनेट करने के लिए हम फॉर्मेलिटी हाइड फ्यूमिगेशन का यूज़ करेंगे और यदि हमारा ऑपरेशन थिएटर का जो एरिया है वो एक हज़ार क्यूबिक फिट है तो इसके लिए हम पाँच सौ लेंगे फॉर्मेलिटी ये फोर्टी रहेगी और इसको हम जो पानी है वो हम तीन लीटर लेंगे उसमें एड करके और ऑपरेशन थिएटर को हम फ्यूमिगेट करेंगे ऑपरेशन थिएटर को फ्यूमिगेट करने के लिए जितने भी ऑपरेशन थिएटर के डोर है विंडो है उनको क्लोज कर देंगे लाइट है उसको बंद कर देंगे और जो हमारा फैन या एसी लगी है तो उसको भी हम बंद कर देंगे और ऑपरेशन थिएटर को पूरी रात फॉर्मलिन लगा के छोड़ देंगे और इसमें हम नेक्स्ट डे 300 सौ अमोनिया लेंगे फॉर्मलिन को न्यूट्रलाइज करने के लिए दो से तीन घंटे के लिए हम अमोनिया सोल्यूशन को ओटी के अंदर रख देंगे जिससे कि जो फॉर्मोलिन के वेपर से वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे ऑपरेशन थिएटर को डिकन्टामिनेट करने के लिए हमें वीकली इसको फ्यूमिगेट करना चाहिए ऑपरेशन थिएटर को हमें कितने समय के लिए फ्यूमिगेट करना चाहिए तो इसके लिए यदि हमें जो हमारा ऑपरेशन थिएटर है उसका कोई कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है तो उसके लिए फिर हमें फोर्टी एट आवर्स के लिए ऑपरेशन थिएटर को फ्यूमिगेट करना चाहिए यदि कोई ऑपरेशन थिएटर के अंदर इन्फेक्टेड केस हुआ है तो उसके लिए हम ट्वेंटी फोर हावर्स के लिए ओ टी को फ्यूमिगेट करेंगे और ऐसे जो रूटीन केस होते हैं तो उसके लिए हम ओ टी को ट्वेल्व आवर्स के लिए फ्यूमिगेट कर सकते हैं अल्टरनेटली हम ढाई सौ एम एल तो फॉर्मली लेंगे और तीन हज़ार एम एल लेंगे जो नल का पानी है उसमें इसको रख के और दो घंटे के लिए हम फ्यूमिगेट करेंगे अब हम जानेंगे कि हमें जो हमारे इक्विपमेंट हैं इंस्ट्रूमेंट है और दूसरे रीयूजबल आइटम हैं उनको हम किस प्रकार से डिकन्टामिनेशन करेंगे तो इसके लिए हम इंस्ट्रूमेंट को जीरो पॉइंट फाइव परसेंट क्लोरिन का गोल लेंगे और इंस्ट्रूमेंटों को दस मिनट के लिए इसमें डुबो के रखेंगे और उसके बाद में हम नल के पानी में इनको साफ़ कर लेंगे और क्लीनिंग करने के लिए हम इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट और जो हमारे रीयूजबल आइटम हैं तो उनको सबसे पहले ब्रश की सहायता से स्क्रब करेंगे और उसके बाद में ल्यूब वाटर और डिटर्जेंट की सहायता से उनको धोएंगे जिससे क्या होगा उनके अंदर जो ब्लड लगा है और टिश्यू के जो कुछ पार्ट्स रह गए हैं तो वो सब रिमूव हो जाएंगे और क्लीनिंग इंस्ट्रूमेंटों को उसके बाद में हम अ... अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग मशीन आती है उसकी सहायता से भी क्लीन कर सकते हैं और माइक्रो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है उनको भी हम अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग की सहायता से क्लीन करेंगे माइक्रो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंटों को हम अल्ट्रासोनिक क्लीनर आता है तो उसकी मदद से क्लीन करेंगे अब हम जानेंगे हाई लेवल डिसइनफेक्टेंट कौन कौन से डिसिनफेक्टेंट है जो हम ऑपरेशन थिएटर और इंस्ट्रूमेंट को डिकन्टामिनेट करने के लिए यूज करेंगे तो इसमें रहेगा क्लोरीन सोल्यूशन फॉर्मेल डिहाइड ग्लूटेल डिहाइड हाइड्रोजन प्रोक्साइड और आटोक्लिविंग और ई और तो इनके बारे में हमने जो पिछला वीडियो बनाया था तो उसमें इनके बारे में डिटेल से जाना था अब हम जानेंगे जो हमारे आर्टिकल्स हैं तो सर्जरी के दौरान उनको किस प्रकार से हम इस्टलाइज़ करेंगे तो इसके लिए कौन कौन से मेथड हम यूज़ करेंगे तो हमारे जितने भी जो गाउन है केप है मास्क है और ड्रेप्स है तो इनको हम ऑटोक्लेव करेंगे ऑटोक्लेव मशीन की सहायता से और ग्लासवेयर आइटम है जैसे कि सीरेंज हुआ तो इनको हम ड्राई हीट स्टिलाइजेशन से ऑटोक्लेव करेंगे और जितने भी मेटल के इंस्ट्रूमेंट है इनको हम इस्टलाइजेशन करने के लिए ऑटोक्लेव का यूज़ करेंगे प्लास्टिक के इंस्ट्रूमेंट है तो उनको हम ई मशीन की सहायता से इस्टलाइज कर सकते हैं या फॉर्मलिन चैम्बर में रख कर कर सकते हैं सार्प इंस्ट्रूमेंट जैसे कि सीजर हुई तो इनको हम ई मशीन की सहायता से या होट एयर ओवन की मदद की या केमिकल डिसइंफेक्टेंट यूज करके हम इनको इस्टलाइज करेंगे और हमारे जो सूचर है उनको भी यदि हमें इस्टलाइज करना है तो उनको हम ऑटोक्लेव कर सकते हैं जिससे कि वो स्टलाइज हो जाएंगे तो लास्ट में जानेंगे सर्वेलेंस ऑफ ऑपरेशन थिएटर मॉनिटरिंग तो ऑपरेशन थिएटर के अंदर यदि कोई माइक्रोब्स है तो उनको हम किस प्रकार से उसका मॉनिटरिंग और सर्वेलेंस करेंगे और किस प्रकार से हम ओ का कल्चर लेंगे इसके बारे में जानेंगे तो इसमें हम सबसे पहले स्वेप कलेक्ट करेंगे ऑपरेशन थिएटर के अलग अलग पार्ट्स से जैसे कि ओटी टेबल हो गई उसके बाद में लाइट वाल दीवारें चारों साइड की और टी फ्लोर और जो हमारे इंस्ट्रूमेंट ट्रोली है तो उससे लेंगे और एसी डक्ट है वहाँ से लेंगे यदि ऑपरेशन थिएटर के अंदर माइक्रोस्कोप हम यूज़ करते हैं तो उसके हैंडल से लेंगे तो इन सभी जगह से हम कल्चर लेंगे और हम माइक्रोबायोलॉजी लेब में कल्चर के लिए इनको भेजेंगे कि इनमें कहीं माइक्रोब्स प्रजेंट तो नहीं है स्वेब को कलेक्ट करके और हम माइक्रो बायोलॉजी डिपार्टमेंट में भेजेंगे और हम पता लगाएंगे कि इनके अंदर एरोबिक और एनारोबिक कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रजेंट तो नहीं है जो ओटी कल्चर होता है तो दो प्रकार से होता है चॉकलेट अगार से और रिवर्सन कोकड मीट मीडियम इसके सहायता से जो एरोबिक जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है तो उसका पता हम चॉकलेट अगार से लगाएंगे और जो एनारोबिक माइक्रोब्स है तो उनका पता हम रिवर्स एंड कोक्ड मीट मीडियम के माध्यम से लगाएंगे इसमें जो क्लोस्टेडियम टिटेनी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं तो उसका पता चल जाता है